आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना लहसुन प्याज के कोहड़े वाली सब्जी और उसके साथ पूरी की रेसिपी। अगर आप भंडारे का खाना मिस कर रहे हैं तो इस वीडियो को इन तक देखिएगा। वीडियो में मैं आगे आपको सारे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप घर पर ही बिल्कुल भंडारे वाले टेस्ट की सब्जी और पूरी को बना सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर उसे ऑल पे क्लिक कर दे जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके। अगर हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। पहले हम पूरी बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। तो यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी ले रही हूँ, इससे हमारी पूरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसके बिना भी बना सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे एक चम्मच ऑयल डाल दे रही हूँ। अब इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। आप पूरी या रोटी जब भी बनाएं तो आटे को पहले से गूंथ के 20 मिनट तक रख दें। इससे आपकी पूरी या रोटी जो भी बनाएंगे एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखिए हमने आटे को लगा लिया है। अब इसे हम इसी तरह से 1 से 2 मिनट तक मसलेंगे जिससे कि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए और जब हम पूरी बनाए तो एकदम इसकी पूरी सॉफ्ट बने। तो हमारा आटा लग गया है। अब इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम भंडारे वाली कोहड़े की सब्जी को बना लेते हैं। कोहड़े की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो कोहड़ा लिया है जिसे मैंने अच्छे से धुलकर और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे हरा वाला सॉफ्ट कोहड़ा लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज का या हार्ड कोहड़ा हो तो उसके छिलके को निकाल दे। तो मेरे पास सॉफ्ट कोहड़ा था तो मैंने इसके छिलके को नहीं निकाला है और जो कोहड़े के अंदर के पल्ब और बीज थे उसे भी मैंने निकाल लिया है। और हमने कुछ कोहड़े को छोटे पीसेज में कट किए और कुछ को बड़े में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल लेंगे यानी कि सरसों का तेल। सरसों के तेल में कोहड़े की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों तेल लिया है और तेल के गर्म होते ही 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा और 1/2 छोटा चम्मच मेथी के दाने ये जरूर से डालिएगा, इससे आपके कोहड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और 1 लाल मिर्च को मैंने तोड़ के डाल दिया है और 1 से 2 तेज पत्ते। अब इन सबको चलाते हुए कुछ सेकेंड के लिए पका लेंगे जिससे कि जीरा और मेथी हमारा पक जाए। तो ये देखिए ये चटकने लगा है। तब इसमें हम कुछ और भी मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच अदरक लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और 3 हरी मिर्च इसे मैंने चॉप कर लिया है। आप मिर्ची की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं, कोहड़े की सब्जी में मिर्च थोड़ा कम पड़ता है। और साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सबको चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाले हमारे भुन गए हैं तो इस टाइम पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखा नहीं होता, बस हम यहाँ पे कलर के लिए डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और यहाँ पे मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह गर्म मसाला भी ले सकते हैं। और इन सबको हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाला हमारा जले ना इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। तब इसमें हम अपने कोहड़े को डाल देंगे यानी कि पम्पकिन। यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ, इससे हमारे कोहड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और 1 छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे नमक डाल दे रही हूँ, ये नॉर्मल नमक है। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तब इसे हम कवर करके 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे जिससे कि कोहड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, कोहड़ा जो पानी छोड़ेगा इसी से हमारा कोहड़ा अच्छे से पक जाएगा। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे 7 मिनट तक पका लिया है और ये देखिए थोड़ा हमारा कोहड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमने थोड़ा भी पानी नहीं डाला था और ये पानी को थोड़ा छोड़ दिया है। और यह देखिए दबाने से कोहड़ा इजीली कट जा रहा है, मतलब कि हमारा कोहड़ा अच्छे से पक गया है। तब इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे जिससे कि बिल्कुल भंडारे वाला फ्लेवर आए। तो 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे आपकी सब्जी का टेस्ट बिल्कुल भंडारे वाला आएगा।
और यहाँ पे मैं आमचूर पाउडर ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो यहाँ पे आप नींबू का भी रस डाल सकते हैं। तो इन चीजों को आप लास्ट में ही डालिएगा जब आपका घोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और इन सबको भी एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर से कवर करके 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो ये देखिए मैंने 7 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पे पका लिया है और आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम अच्छे से पक भी गई है। तो हम थोड़ा सा इसे मैश कर देंगे, पूरी तरह से नहीं, तो स्पैचुला से हम इसे दबाते हुए हल्का सा मैश कर लेते हैं। तो बस हम इतना ही मैश करना है हमें, और आप देख सकते हैं कि हमारे कोहड़े की सब्जी कितनी रसीली दिख रही है। तो एक बार आप भी इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। 20 मिनट हो गया है, चलिए हम अपना आटा चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। ये देखिए, और इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे जिससे कि इजीली बेला जाए, और इसे हम पूरी की तरह बेल लेते हैं। तो हमें बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं बेलना है, और जो हमने इसमें कसूरी मेथी डाला है उससे हमारी पूरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, तो चलिए पूरी को फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही गैस पे कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल हमारा अच्छे से गर्म है। पूरी को तलने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आपकी पूरी एकदम फुली फुली बनेगी। और इसमें हम पूरी को डाल देंगे और इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाइए जिससे कि पूरी आपकी एकदम फुली फुली बने। बस इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे। सारी पूड़ियों को तल लिया है, चलिए हम सर्व करते हैं एकदम चटपटी सी रसीली कोहड़े की सब्जी। और थोड़ी सी दही, और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से खीरे और टमाटर को कट कर लिया है, और ये गर्मा गर्म फुली फुली पूड़ियाँ। तो आप घर पर भी बिल्कुल भंडारे वाले पूड़ी और सब्जी को बना सकते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।